सरकार की ओर से लोगों के हितों के लिए कई स्कीम चलाई जा रही है। इन स्कीम के जरिए सरकार लोगों को कई फायदे भी पहुंचा रही है। इस बीच केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अहम ऐलान किया है। अश्विनी वैष्णव ने लोगों को 5,000 रुपये तक का लोन मुहैया करवाने की बात कही है। दूरसंचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार वर्ष 2023 में डिजिटल प्रौद्योगिकी की मदद से रेहड़ी पटरी वालों को 5,000 रुपये तक की सूक्ष्म ऋण सुविधा देने पर खास जोर देगी। वैष्णव ने डिजिटल इंडिया पुरस्कार वितरण समारोह में कहा कि साल 2023 में रेहड़ी पटरी वालों की 3,000 रुपये से 5,000 रुपये तक छोटी ऋण जरूरतों को पूरा करने के लिए सरल तरीके से ऋण सुविधाएं मुहैया करने पर खास ध्यान दिया जाएगा। अश्विनी वैष्णव का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रत्येक नागरिक को डिजिटल रूप से जोड़ने के लिए देश के सभी हिस्सों तक 4G और 5G दूरसंचार सेवाएं पहुंचाने को लगभग 52,000 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। उन्होंने कहा कि देश इस साल स्वदेशी रूप से विकसित 4G और 5G प्रौद्योगिकी को लागू होते देखेगा। वहीं अश्विनी वैष्णव का कहना है कि प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के अनुसार देश में बहुत जल्द एक इलेक्ट्रॉनिक चिप विनिर्माण संयंत्र की स्थापना की जाएगी। बता दें कि प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना को सूक्ष्म ऋण सुविधा के रूप में जून 2020 में शुरू किया गया था। इस योजना का मकसद कोविड-19 महामारी के चलते हुए नुकसान की भरपाई के लिए रेहड़ी पटरी वालों को सशक्त बनाना है।